हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स का आंसर की। जल्दी से मिला लीजिए, सभी सेट का मिलाएंगे, ऑल सेट का मिलाएंगे। ठीक है, मैं किसी भी एक सेट का बता दूंगा, उसमें से आप लोग मिला लीजिएगा। नहीं बोलिएगा सर सेट ए बताइए, सेट बी बताइए। स्टूडेंट, क्वेश्चन का सीरियल नंबर बदलता है, क्वेश्चन नहीं बदलता है ना, तो मिला लीजिए। फुर्सत में अभी आप लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है। चलिए, ख्याति क्या है? ख्याति है गुडविल इज। ऑप्शन राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, सी ए एंड बोथ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न से होती है? राइट आंसर क्या होगा सर, द कैपेसिटी ऑफ विच नेचर ऑफ गुडविल इज लो। सी होगा खरगोश, सी होगा रैबिट। अगला क्वेश्चन है चौथा, चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फोर क्वेश्चन नंबर थ्री है। निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट आंसर फोर का हो जाएगा ए। फोर का राइट आंसर क्या होगा, फोर का राइट आंसर सॉरी थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन विधि, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुस्तक में ख्याति खाता ना हो और ख्याति खोला जाए तो किस खाता को डेबिट किया जाएगा? राइट आंसर क्या होगा, बी होगा ख्याति। इंग्लिश वाले देख लेते हैं भाई, इंग्लिश से भी देख लेते हैं, चिंता नहीं करना, ऐसे हड़बड़ाइए मत आप लोग। व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक एंड गुडविल इज रेज, विच अकाउंट इज टू डेबिट? राइट आंसर बी होगा गुडविल। इंग्लिश में दोनों देखेंगे, चिंता नहीं करना है। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए ख्याति। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड ए होगा गुडविल। अगला क्वेश्चन है, साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल बी रिजल्ट इन। बी होगा राइट आंसर, लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन है, साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। सेवन का राइट आंसर ए होगा, वर्तमान साझेदारों के लिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा सर, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, गेन टू द एग्जिस्टिंग, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, ए ए होगा। सेवन का राइट आंसर ए होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एट का राइट आंसर क्या होगा सर, ए होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ, ए होगा, गेनिंग टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन है, लाभ तथा हानि समायोजन खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। नाइन का राइट आंसर सी होगा, नाममात्र खाता, सी होगा, नॉमिनल अकाउंट। त्याग अनुपात है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज। बी होगा इसका आंसर, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तुलनात्मक वित्तीय विवरण दर्शाता है, इलेवन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ए और बी दोनों। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, सी होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय शेयर होल्डर, एग्जाम्पल ऑफ। बोलो 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 बोलो, बी होगा इसका अंतर, आंतरिक विश्लेषण का, बी होगा इंटरनल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यतः पुस्तक है, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। 13 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से सभी डी होगा, ऑल ऑफ दीज। समरूप विवरणों का डैश नाम से भी जाना जाता है, कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज। 14 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, लंबत विश्लेषण, सी होगा, वर्टिकल एनालिसिस। मिलाते जाओ आंसर। तरल संपत्ति में शामिल होता है लिक्विड एसेट इंक्लूज। 15 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें सभी डी होगा, ऑल ऑफ दीज। उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोग है, डैश इज यूजफुल इन एवेल्यूटिंग द क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी। 16 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, औसत संग्रह अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। निम्न में से कौन लाभदायक अनुपात नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबल रेशियो। 17 का राइट आंसर सी होगा, चालू अनुपात, सी होगा, करंट रेशियो। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का खाता एसेट अकाउंट इज। 18 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, वास्तविक खाता, सी होगा, रियल अकाउंट। फ्रेंड्स, बीएसटी ईपीएस इको का भी हम लोगों ने करा रखा है, आंसर की देख लीजिएगा। आदर्श तरल अनुपात है द आइडियल लिक्विड रेशियो इज। आंसर होगा बी, 1:1, बी 1:1। अगला क्वेश्चन है, ऋण क्षमता अनुपात है, ऋण क्षमता अनुपात है, 20 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, शोधन क्षमता अनुपात। इंग्लिश में देख लेते हैं, हर नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो इज, डेट इक्विटी रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। 21 का राइट आंसर बी होगा, रोकर विवरण, बी होगा, कैश स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, आय का व्यय पर अधिक होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज। 22 का राइट आंसर सी होगा, अधिक, सी होगा, सरप्लस।
एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय क्लब फॉर क्रिकेट मैचेज। 23 का राइट आंसर क्या होगा सर? डी होगा पूंजीगत प्राप्ति, डी होगा कैपिटल रिसीव। मिलाते जो आंसर इंग्लिश में दोनों बोल रहे हैं। विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज। राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर ए होगा पूंजीगत प्राप्ति, ए होगा कैपिटल रिसीव्ड। आय तथा व्यय खाता सामान्यता दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा अधिक खाता, अधिक या घाटा, सरप्लस या डिफेक्ट। मिलाते जाओ आंसर। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डी होगा साझेदारी फर्म, डी होगा पार्टनरशिप फर्म। सचिव को मानदेय का भुगतान माना जाता है, पेमेंट ऑफ होनोरियम टू सेक्रेटरी स्टेटेज। 27 का राइट आंसर क्या होगा सर? बी होगा आयगत व्यय, बी होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो 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 आंसर मिलाते जो सर। अगला क्वेश्चन क्या है? लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। राइट आंसर भी होगा समाज की सेवा, भी होगा टू सर्व द सोसाइटी। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट अकाउंट इज। 29 का राइट आंसर क्या होगा सर? सी होगा दायित्व, सी होगा लाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, पूंजी कोष की गणना की जाती है, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। बी होगा संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ एवं हानियां शेष साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर बाय द रिमेनिंग पार्टनर इज। 31 का राइट आंसर ए होगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ए होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मिलाते चलो आंसर। विविध देनदार 80,000 रुपये को 5% छूट पर का वसूली की गई, वसूली खाते को क्रिएट किया जाएगा। सन्डे डेप्टर ऑफ RS 80,000 वेयर रिलीज एट 5% डिस्काउंट ऑन रिलीज रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बी होगा 76,000, बी होगा 76,000। इंग्लिश में दोनों बोल रहे हैं, मिलाते चलो आंसर। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्स का हस्तांतरित करेंगे, ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। 33 का राइट आंसर क्या होगा सर? 33 का राइट आंसर सी होगा वसूली खाते में, सी होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? ऑन द फॉर्म डिजोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर। राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर क्या होगा? ए होगा वसूली, ए होगा क्या? रुक जाइए। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा बैंक खाता, सी होगा बैंक अकाउंट। ठीक है ना, बोलो। ठीक है सर। ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। रुक जाइए, 2 मिनट। तो इसका राइट आंसर डी होगा नॉन ऑफ दीज। क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, नॉन ऑफ दीज होगा सर। अगला क्वेश्चन है, एट द फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फॉर्म रिजोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज। राइट आंसर क्या होगा? बोल दूँ सर। सी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी होगा साझेदार की पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन है, एक साझेदार फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर टू। 37 का राइट आंसर ए होगा वसूली खाता में, ए होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। किसी साझेदार द्वारा 20,000 रुपये के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी 20,000 बाय पार्टनर द अकाउंट क्रेडिट विल बी। 38 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा साझेदार का पूंजी खाता में, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं सर? आंसर मिला था चलो। फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस ऑन द रियलाइजेशन इज डेबिटेड ऑन विच अकाउंट। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा साझेदार की पूंजी खाते में, बी हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा चुकता पूंजी। इंग्लिश में देखते हैं, हड़बड़ाइए मत। एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, बी होगा पेड अप कैपिटल। आंसर मिलाते जाइए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लाभदायकता अनुपात को सामान्य व्यक्त किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली एक्सप्रेस इन। 41 का राइट आंसर बी होगा प्रतिशत में, बी होगा परसेंटेज में। तरलता अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, लिक्विड रेशियो ऑल्सो नोन एज। आंसर होगा बी शीघ्र अनुपात, बी होगा क्विक रेशियो। आंसर मिलाते चलो सर, बताना है आप लोगों को कितना सही हुआ, कितना सही हुआ। निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा विनियोजन, डी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, रोकर प्रभाव विवरण तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा रोकर प्रभाव नहीं है?
45 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेनदारों में वृद्धि क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैश आउटफ्लो, इंक्रीज इन क्रेडिटर। निम्न में से कौन सा मध्य रोकड़ तुल्य, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर एज कैश इक्विवेलेंट, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अल्पकालीन विनियोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कर्मचारी को नगद भुगतान से रोकड़ प्रवाह है, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज इज ए कैश फ्लो फ्रॉम, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संचालन क्रिया, ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर मिलाते चलो, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, फटाफट से राइट आंसर हो जाएगा, मशीन के क्रय करने के लिए रोकड़ भुगतान। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी हो जाएगा, पेमेंट ऑफ कैश फ्रॉम परचेज ऑफ मशीन। निम्नलिखित में कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, सी हो जाएगा, लेनदारों में कमी, सी हो जाएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर। दिन में से कौन सी मद प्राप्तियां एवं भुगतान खाता में दिखाई जाएगी, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आजीवन सदस्य शुल्क, सी हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी। एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन शुड बी ट्रीटेड एज, 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति ए हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। सहदार संलय के अभाव में सहदारी को, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर सैलरी नॉट टू बी पेड सैलरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे लाभ तथा हानि विवरण खाते में नहीं लिखा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, प्रबंधक का कमीशन, डी हो जाएगा, मैनेजर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, एक सहदारी फर्म के लक्षण है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, डी हो जाएगा, इनमें सॉरी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सहदारी का दायित्व होता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असीमित, बी हो जाएगा, अनलिमिटेड। समझ गए कि मिटाकर फिर से लिखे सर, बी हो जाएगा, अनलिमिटेड, ठीक है ना सर। सहदारी अनुबंध बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऐच्छिक, बी हो जाएगा, वॉलंटरी। एक फर्म में सहदारों की अधिकतम संख्या होती है, सी हो जाएगा 50, सी हो जाएगा 50। सहदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, सी हो जाएगा, ओरल रिटन, मौखिक के लिखित। मिलाते चलो आंसर फटाफट से, सहदारों का चालू खाता दिखाया जाता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाता है, दोनों में से कोई भी दिखाएगा एक, सी हो जाएगा राइट आंसर। कितना बोल भाई, सी हो जाएगा। ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्तीय स्रोत है, ऋण पत्रों के लिए शोधन के लिए इनमें सभी हो जाएगा राइट आंसर, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑल ऑफ दीज। सिंकिंग फंड हमेशा दिखाई देता है, ए हो जाएगा, नाम शेष, सिंकिंग फंड ऑलवेज शो डेबिट्स बैलेंस, वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, डी हो जाएगा, इनमें सभी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्थिति विवरण में, बी हो जाएगा, बैलेंस शीट में। चालू संपत्ति में शामिल है करंट अकाउंट एसेट इंक्लूड, इनमें से राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी डी हो जाएगा सर, क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। 66 का राइट आंसर, निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी, राइट आंसर होगा सी, लेजर खाता, सी, लेजर खाता। 67 का राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाभ हानि की सूचना, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लॉस है ना। संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है, इन विच मीटिंग ऑफ ए कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट प्रेजेंटेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बोलो 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 बोलो, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी हो जाएगा, इनमें सभी, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से एक उपकरण की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्थिक चिट्ठा, बी हो जाएगा, बैलेंस शीट। मिलाते चलो आंसर सर, आवाज़ वॉल्यूम तेज कर लो, ए और बी लाभ तथा हानि 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, निकल देखना, 9:3:4 होगा आंसर, मिला लो आंसर, सी मारे हैं, सही होगा। एक नए सहदार के प्रवेश पर बी होगा, पुराने सहदार पुनर्गठित होता है, बी होगा राइट आंसर, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बी होगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। संचित लाभ और संचय के हस्तांतरण किया जाता है, द एक्युमुलेशन प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू,
73 का राइट आंसर होगा बी, शेयरधारकों की पूंजी खातों में बी, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बी। नए शेयरधारक के प्रवेश में क्या बढ़ सकता है, व्हाट इंक्रीज द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसका राइट आंसर चालू दायित्व होगा, करंट लायबिलिटी होगा। नए शेयरधारक द्वारा नगद में लाई गई संपत्ति कहलाती है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन द कैश ऑफ ए न्यू पार्टनर इज, इसका राइट आंसर प्रीमियम होगा, प्रीमियम होगा। ए बी और सी एक फर्म में समान शेयरधार हैं, बी अवकाश ग्रहण करता है, से शेयरधारों ने नई फर्म को के लाभ को 5:4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया, प्राप्ति अनुपात है। सर इसका राइट आंसर बोल दो, बोलो सर इसका राइट आंसर। सर ए होगा 2:1, आंसर मिला लो फटाफट से, लगा के आए हैं क्या, लगा के आए हैं तो बताना कमेंट में कितना सही हुआ तुम्हारा। शेयरधार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी में क्रेडिट की जा सकती है, 77 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा अवकाश ग्रहण करने वाले शेयरधार पर, ए होगा रिटायरमेंट पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ द गुडविल मे बी डिस्क्लोज्ड क्रेडिटेड टू हुज कैपिटल अकाउंट, इसका राइट आंसर क्या होगा सर, 77 का राइट आंसर ए होगा, बताया सो रिटायरिंग पार्टनर। शेयरधार की संयुक्त जीवन पॉलिसी कौन सी कहता होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा सर, डी होगा संपत्ति, डी होगा एसेट, बोलो बोलो सर सही है क्या। अगला क्वेश्चन है, शेयरधार की मृत्यु का अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, फाइनल पेमेंट ऑफ ए आर मेड थ्रू, फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू, जल्दी से बोलो सर, जल्दी से बोलो ना। बी होगा राइट आंसर, निष्पादक खाता, एग्जीक्यूटर अकाउंट। मृतक शेयरधार के निष्पादक को शेयरधार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा, 80 का राइट आंसर क्या होगा सर, बोलो ना, 80 का राइट आंसर क्या होगा सर, जल्दी से बोलो। सी होगा राइट आंसर, 6%। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट, 6% होगा, बताइएगा कितना आंसर को सही हो आपका कमेंट में। जब अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, 81 का राइट आंसर होगा बी, पूंजी संचय खाते में, बी होगा बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट शेयर अमाउंट आफ्टर रीइशू ऑफ प्रोविडेंट शेयर, बी होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूर आप कर लीजिएगा। एग्जाम तक दोस्तों आपके साथ रहेंगे, रिजल्ट तक ही आपके साथ रहेंगे, ऐसा वादा हम लोगों ने किया था और हम लोग निभा भी रहे हैं। तो 12% वाला जो भी आएगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है 12% वाला, इसमें लाभांश की दर होगा, रेट ऑफ डिविडेंड होगा। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना की ब्याज की अधिकतम दर है, टेबल एफ मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट द कॉल इन एडवांस 12% होगा, 12% प्रतिवर्ष। दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है, डी होगा राइट आंसर, चुकता पूंजी। उसके बाद ये देखिए दिख ही नहीं रहा है सही से, ठीक है, तो 89 पर आ गए, 89 है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड कैपिटल इज, अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंश अपतन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, 90 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा पर्सनल अकाउंट, ए होगा व्यक्तिगत खाता। दिन में से कंपनी की पूंजीगत पूंजी कौन सी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए कंपनी, 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑथराइज कैपिटल सी हो जाएगा, अधिकृत पूंजी। अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा एसेट, ए हो जाएगा संपत्ति। ऋण पत्र है, डिवेंचर इज, ए हो जाएगा ऋण का प्रमाण पत्र, ऋण का लोन सर्टिफिकेट। ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है, डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है, सी होगा कंपनी का दीर्घकालिक ऋण, सी होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ कंपनी। ऋण पत्र पर ब्याज होता है, डिवेंचर कैरी इंटरेस्ट एट, आंसर सी होगा निश्चित दर, सी होगा फिक्स रेट। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर इज कॉल, 96 का राइट आंसर ए होगा पूंजीगत हानि, ए होगा कैपिटल लॉस। ऋण पत्रों के निर्गमन में प्राप्त राशि होती है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर इज, ए होगा राइट आंसर पूंजीगत प्राप्ति, ए होगा कैपिटल रिसिप्ट, मिलाते चलो आंसर। सिंक्ड फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को आंतरित किया जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू, इसका राइट आंसर क्या होगा सर, सिंक्ड फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट। 99 का राइट आंसर क्या होगा, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष खाता को शेष हस्तांतरित किया जाता है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं सर। वैन ऑल डिवेंचर आर रिडीम, बैलेंस इन द डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, बोलो बोलो इसका आंसर। बी होगा सामान्य संचय में, बी होगा जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व होगा। अगला है लास्ट 100 है, 100 क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन पर अधिलाभ खाता की प्रकृति होती है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, 100 का राइट आंसर ए होगा व्यक्तिगत खाता, ए होगा पर्सनल अकाउंट।
उसके बाद बच्चे ने डाला नहीं। एक बार मैं फिर से वैभव कुमार को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे कहने पर क्वेश्चन सेंड किया, थैंक यू सो मच। ये सब मिला लीजिएगा, आंसर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ, कितना सही हुआ जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच। और भी आंसर की दिया हुआ है सब देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, कोई भी डाउट होगा सब कुछ बताएंगे, रिजल्ट तक आपके साथ है, कोई भी गड़बड़ी होगा तुरंत हम लोग को बोलिएगा, इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू सो मच, मिले रहिए और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच।